हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के डिजाइनर सूट सेट हॉल, और जिसमें मैंने ना बहुत सारे कुर्ता सेट मंगाया और वो बहुत ज्यादा लेटेस्ट है इस टाइम मीशो पर। और सारा जो बजट है वो होने वाला है अंडर 700। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स जो है ना वो फेस्टिव एप्रोप्रिएट होने वाले, एज वेल एज अगर आप वेडिंग वगैरह अटेंड करते हो तो उसमें भी इनको पहन सकते हो। मैं फटाफट से आपको फर्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने ये वाला खरीदा है, और इसमें मैंने ना स्मॉल साइज मंगाया। इसका जो प्राइस है वो है 666 रुपीज़। लेट्स सी हमारे को इसकी क्वालिटी कैसी रिसीव हुई है। सबकी लाइव अनबॉक्सिंग होगी, सो फटाफट से ओपन करते हैं। ओके, तो ये कुर्ता कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये देखो, रेयॉन का फैब्रिक मिलेगा और इतना नीट एंड क्लीन इस पे ना एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है। नेक डिटेलिंग मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। साथ में इसके बॉटम वेयर में आपको मिलता है प्लाजो पैंट, जो ना आगे की तरफ पे ऐसे बेल्ट बना रखी है और पीछे की तरफ पे ऐसे इलास्टिक वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। सेम फैब्रिक में आपको पैंट मिलती है। और सबसे प्यारा लगता है इसका दुपट्टा, बिकॉज दुपट्टा आप देखो डिजिटल प्रिंट में मिलता है और पूरे दुपट्टे पे ना आपको जरी के वर्क के साथ ऐसे सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस कलर बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक काफी अच्छा है। फटाफट से ना इसे ट्राई ऑन करते हैं। ओके गाइज, अगर मैं इस कुर्ते के फैब्रिक की बात करूँ ना, रेयॉन का मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ना इरिटेट नहीं कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टे की लेंथ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके की आपको लेंथ मिल जाती है, बट बहुत ज़्यादा ये प्रिटी लग रहा है। आप ये देखो, आपको फाइनल लुक कुछ इस तरीके का मिलेगा। परफेक्ट आउटफिट है फॉर फेस्टिव सीजन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नेक्स्ट आउटफिट कि मैंने नेक्स्ट क्या खरीदा है। ओके, तो मैंने सारे जो आर्टिकल्स है ना वो एथनिक में मंगाया, तो सोचा एक ईयरिंग का सेट भी मंगा लूँ। ये मैंने 166 रुपीज़ में मंगाया है, जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो चलो इसको भी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये कुछ इस तरीके के ईयरिंग्स हैं। मैं आपको फटाफट से ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके के आपको ना ईयरिंग्स मिल जाएंगे। कुंदन के ईयरिंग है 166 रुपीज़ में। मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मेरे को ये मिल गए हैं। दूसरी बात, ये मतलब हाथ में मैंने पकड़ रखना, इतने ज़्यादा हैवी नहीं लग रहे। जिस हिसाब से इसका साइज इन्होंने दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। चलो फटाफट से ना इसे ट्राई ऑन करते हैं। मतलब मैं इसको ईयरिंग को पहनती हूँ और इसका फाइनल लुक आपको दिखा दूँ कैसा लगने वाला है। ओके, सो ईयरिंग ना गाइस बहुत ज़्यादा बड़े आप देख सकते हो, इतनी इसकी लेंथ मिल जाएगी, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जिन लोगों को आदत नहीं है ना हैवी ईयरिंग पहनने की, वो ये वाले ट्राई जरूर कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी हैवी ईयरिंग नहीं पहन सकती हूँ। तो मेरी तरफ से 10 ऑन 10 है। मैं फटाफट से ना आपको कुर्ती दिखाती हूँ नेक्स्ट। इस कुर्ते में भी ना मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया। जितने भी कुर्ता सेट मंगाया सब में स्मॉल साइज़ मंगाया, और ये भी अंडर 700 रुपीज़ है। प्राइस और इमेज आपको यहाँ पर कहीं पर मैंशन हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तब मैंने इसको मीशो पर देखा था। फटाफट से आपको दिखाती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको इतना प्यारा सा ये कुर्ता मिल रहा है, जो नेट के ऊपर वर्क इन्होंने कर रखा है, ठीक है। साथ में आपको मिलता है इसके साथ पैंट, जिसकी फैब्रिक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। लाइक टिश्यू जैसा फैब्रिक होता है ना, ऐसा फैब्रिक इन्होंने दे रखा है। नीचे पे ऐसा कुछ पैटर्न में मिल जाएगा। साथ में इसमें ऑरेंजा टाइप दुपट्टा, ओ माय गॉड ये रिफल वाला दुपट्टा है। फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। ओके गाइज, अगर मैं कुर्ते की बात करूँ ना, तो स्लीव्स में इन्होंने लाइनिंग नहीं लगाई, इस वजह से ये मेरे को थोड़ा सा स्लीव्स में चुभ रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी पैंट की, तो टू बी ऑनेस्ट बहुत गंदी फिटिंग इन्होंने दे रखी है, और इन्होंने ना जो मॉडल ने पहन रखा था उसकी कॉपी की हुई है एग्जैक्ट, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो वर्थ इट नहीं है। मैं फिर भी आपको ना फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ। दुपट्टा बहुत अच्छा है नो डाउट। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना या नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। सो नेक्स्ट मैंने ये वाला कुर्ता मंगाया, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में है। आई गेस इसका जो प्राइस है ना वो 600 के अराउंड है। फटाफट से इसको देखते हैं, इसकी क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं कैसा में रिसीव हुआ है। ओके, तो ये वाला जो कुर्ता है वो कुछ, हाँ यार इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से आने वाला है। पैंट्स को जिसकी इस तरीके की मिल जाएगी, फुल्ली इलास्टिकेटेड है। और साथ में इसका दुपट्टा है, जो दुपट्टा इन्होंने एग्जैक्ट सेम मेरे को भेजा है। फटाफट से ना इसे ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इस कुर्ते का ना एग्जैक्ट लुक वैसे ही आ रहा है जैसे वहाँ पर देखा था। नेक का जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंस है उस वाले से, ठीक है। और बाकी फैब्रिक बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बट इसकी जो पैंट्स है ना उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो नीचे से चूड़ी बन रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दुपट्टे की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी खासी लेंथ आपको मिल जाती है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेंथ विड्थ के साथ प्रॉपर आपको सॉलिड मिलने वाला है। तो 550 का है, मैंने आपको 600 बताया था, बट ये 550 का है, तो मेरे हिसाब से तो 550 में वर्थ इट है। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो नेक्स्ट कुर्ता सेट ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया है, और ये ना ऑरेंजा के फैब्रिक पे है आई गेस। फटाफट से देखते हैं ये हमें कैसा रिसीव हुआ है। और जो इसका प्राइस है ना वो 632 रुपीज़ था। सो लेट्स सी कैसा में रिसीव हुआ है। ओके, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ता। ये जो फैब्रिक है वो क्रैप है, और जो इसकी स्लीव्स का है वो यहाँ पे आपको ऑर्गेन्जा पे मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा। फैब्रिक काफी अच्छा है, बटर क्रैप होता है ना कुछ इस तरीके का है। पैंट्स भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी, नीचे पे आपको ऐसे फैब्रिक का वर्क मिल जाएगा जो इन्होंने ऑर्गेन्जा लगा रखा है, ठीक है। साथ में ऑर्गेन्जा का आपको दुपट्टा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडी है ये इस टाइम मीशो पे। चलो फटाफट सब इसे ना ट्राई ऑन करते हैं। गाइज ये वाला कुर्ता सेट ना मेरे को एक्जैक्ट सेम रिसीव हुआ है जैसा वहाँ मॉडल पर दिखाया था, और कलर प्रिंट सब चीज एक्जैक्ट सेम है। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, इससे पहले जितने भी कुर्ता दिखा ना उतने कंफर्टेबल वो नहीं थे जितना ज्यादा ये है। और इसके जो पफ स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न मिल जाएगा। मैं इसको ना फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ किस तरीके का मिलेगा। फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो अपने अकॉर्डिंग ही मंगाना, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ये वर्थ इट है सच में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो ये वाला कुर्ता सेट जो मैंने मंगाया वो 692 रुपीज का मंगाया। साइज में मैंने ऑर्डर किया था स्मॉल। फटाफट से मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक देखते हैं कैसा में रिसीव हुआ है। सो सबसे प्रिटी मेरे को ना इसका कलर लग रहा है, आप देखो मैजेंटा पिंक आपको मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको वर्क मिल जाएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फैब्रिक है इसका कॉटन ब्लेंड। साथ में इसके पैंट साइज है जो कि आपको स्मॉल साइज में मिलेगी और इसमें भी सेम फैब्रिक मिलेगा। और इसमें आई गेस पॉकेट है, एक साइड पे आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाएगी, ठीक है। दुपट्टा आया है इसमें जो कॉटन साइड पे ही होता है और कुछ इस तरीके का दुपट्टा आपको मिलेगा। नीचे ना लेस भी लगा रखी है। फटाफट से ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। इस कुर्ते की जो नेक पे डिटेलिंग है ना वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको मिल जाएगी। फैब्रिक पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सेम ही आपको ना यहाँ पर भी ये डिजाइन मिल जाएगा। अगर मैं इसके दुपट्टे की बात करूँ तो लेंथ आपको बहुत अच्छी खासी इसमें मिल जाती है। ये देखो लेंथ विड्थ काफी अच्छी है। पहनने में इसकी फिटिंग भी बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है। बट इसकी वेस्ट लाइन से थोड़ा लूज था तो मैंने बस यहीं पे क्लिप ऑन किया, बाकी आप देख सकते हो फिटिंग। फैब्रिक जो इसका है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और बैठने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसका प्लाजो। तो ये वाला तो मस्ट है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। व्हाइट कलर में कुर्ता सेट और इसका जो प्राइस है ना वो 675 रुपीज है। साइज अगेन इसमें मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था। फटाफट से इसको ट्राई ऑन करते हैं एंड पहले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उसकी इसकी कौन किसकी ओके तो आप ये देखो कुर्ता आपको बहुत ज्यादा प्यारा मिलेगा। नीट एंड क्लीन आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा जो कि थ्रेड से दे रखा है और बूटी वर्क भी आपको नीचे की साइड मिलेगा, ठीक है। इसमें ना लाइनिंग अटैच कर रखी है जो कि आपको बस यो के लिए तक या फिर वेस्ट लाइन तक मिलेगी। आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ तक आपको मिलने वाली है इसमें लाइनिंग, ठीक है। फैब्रिक बहुत ज्यादा प्यारा है इसका। साथ में आपको पैंट मिलेगी, आगे की तरफ पे आपको ऐसे बेल्ट बना रखी है और पीछे की तरफ में जो इसमें पैंट है उसमें यहाँ पे आपको लास्टिक मिल जाएगी। पॉकेट आई गेस इसमें नहीं दी गई है और इसके साथ दुपट्टा हैगा। तो इसके साथ आपको दुपट्टा मिल रहा है। इसका फैब्रिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का ये फैब्रिक है, बट इसमें आपको ना गोटा लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट लगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है। फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। ये कुर्ता ना पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और जो इसकी यहाँ पे नेक पे ये वर्क दे रखा है ना वो चीज मेरे को काफी ज्यादा प्रिटी लगी। अगर मैं बात करूँ इसकी पैंट की तो लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी। अगर आपकी हाइट 5.4 है ना तो भी आपको काफी अच्छे से फिट हो जाने वाली है। अगर मैं इसकी बात करूँ फिटिंग की तो फिटिंग वेस्ट लाइन से थोड़ी सी लूज थी, वहाँ पे मैंने क्लिप ऑन किया। यहाँ पे जो लाइनिंग है ना वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे एक शेप आ रही है। इतना आपको इसमें लाइनिंग मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ पहनने में कंफर्टेबल है। दुपट्टे की लेंथ फिट आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। फाइनल लुक आपको दिख ही गया होगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट लगा। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो ये वाला कुर्ता भी ना मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लगा था। साइज मैंने स्मॉल मंगाया है और जो इसका प्राइस है वो है 690 रुपीज। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये वाला कुर्ता आपको कुछ ऐसे मल्टी कलर पैटर्न में मिलेगा। जो कलर है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको वाइब्रेंट शेड इसमें मिल रही है। साथ में आपको इसके मिल जाता है पैंट व्हाइट कलर में और फैब्रिक है इसका पॉली शिफोन जो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये कुछ इस तरीके की आपको इसमें पैंट्स मिल जाएगी। साथ में पॉकेट भी आपको मिल रही है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। शिफॉन का आपको इसमें दुपट्टा मिलता है जो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको देखोगे ना यहाँ पे तो डिजिटल प्रिंट आपको मिलेगा। क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। फटाफट से ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। गाइज इसका जो फैब्रिक है ना पहनने में बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक मिल जाता है। सबसे प्यारी लगी मेरे को इसकी नेक डिटेलिंग, आप देख सकते हो इतनी फिनिशिंग के साथ आपको वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे भी ना आपको गोटा लेस का वर्क मिल जाएगा इसकी स्लीव्स के पैटर्न पे। फिटिंग बहुत अच्छी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पैंट। तो पैंट में नीचे आपको गोटा लेस की यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। फैब्रिक कंफर्टेबल है, पहनने में भी बहुत अच्छा है। और राइट हैंड साइड पे आपको इसमें मिल जाती है पॉकेट जिसकी जो गहराई है ज्यादा नहीं है, बट आईफोन आपका आराम से आ जाएगा। दुपट्टा काफी अच्छा लगा, इतना अच्छा सा आपको इसमें प्रिंट मिल जाता है मल्टी कलर। लेंथ और विड्थ बहुत अच्छी है इसकी, आप ये देखो कुछ इस तरीके से आपको इसकी लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वर्थ इट लगा। बाकी आपके ऊपर है, आप खरीद लेना। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट की मैंने नेक्स्ट क्या मंगाया है। ये वाला ना एक अनारकली कुर्ता सेट है और इसको मैंने मंगाया है 566 रुपये में। साइज है इसका स्मॉल। इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं एंड इसका फाइनल लुक देखते हैं कैसा हमें रिसीव होगा। सो सबसे प्यारा मेरे को इसका लगा कलर। आप ये देखो इतनी प्यारी सी आपको अनारकली मिल जाती है। ओ माय गॉड इसमें ना आपको शेल का वर्क भी मिल जाएगा। ये जो कोड़ियां होती है आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे ना गोटल है, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे इसको स्टिच किया हुआ है। कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है और ये जॉर्जेट के फैब्रिक में मिलते हैं। शेयर आपको स्लीव्स मिलती है, साथ में आपको मिलता है इसके दुपट्टा जो सेम फैब्रिक में है और कुछ ना आपको इस तरीके से इसमें डिटेलिंग मिल जाएगी। यहाँ पे गोटा लेस की पैंट्स इसके साथ नहीं आई है, 566 में आई गेस, ठीक ही है। आप फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं। तो गाइज ये कुर्ती ना आपको सेम टू सेम मिलने वाली है जैसी वहाँ मॉडल पर दिखाई गई है। सबसे प्यारा मेरे को लगा इसका नेक का वर्क, आप ये देख सकते हो यहाँ पे कॉडियो का वर्क इन्होंने कर रखा है। इसकी जो स्लीव्स है यहाँ पे आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी, बाकी पूरी कुर्ती में आपको इसमें लाइनिंग मिलने वाली है। फिटिंग वाइज थोड़ी लूज थी तो मैंने क्लिप ऑन किया। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। आप देख सकते हो मेरी हाइट है 5 फीट, उसके अकॉर्डिंग मेरे को एंकल लेंथ से थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। बट क्वालिटी काफी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू प्राइस मेरे को वर्थ इट लगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट कुर्ती। तो ये वाला कुर्ता सेट मैंने 532 रुपीज में मंगाया है। साइज ऑर्डर किया था स्मॉल। इसको भी देखते हैं हम, ये हमें कैसी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ता, और इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन है। यहाँ पे बस आपको योक एरिया पे वर्क मिलेगा सिक्विंस का, जो कि जरी के साथ दे रखा है व्हाइट कलर के, ठीक है। काफी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको समोसा लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, साथ में आपको सॉलिड इसमें पैंट मिल जाती है सेम फैब्रिक में, और दोनों साइड पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी, और इसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पर शिफॉन का इसमें दुपट्टा मिल रहा है, और कुछ ऐसे सिल्वर कलर की इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है। आई गेस 532 के हिसाब से तो काफी अच्छा लगा, बट पहले इसका ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। इस कुर्ते का फैब्रिक ना पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। स्लीव्स में आपको ये समोसा लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो हल्की सी चुबरिया, अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो सी थ्रू ज्यादा नहीं है, बट हाँ हल्का फुल्का सी थ्रू है। नेक पे बस आपको ये डिटेलिंग इसमें मिल रही है, बाकी पूरा का पूरा कुर्ता जो है आपको सिंपल मिलने वाला है। पैंट की अगर मैं बात करूँ, फिटिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, और आपको एंकल लेंथ तक इसकी लेंथ मिल जाएगी प्रॉपर। अगर आपकी हाइट है मेरे से ज़्यादा है ना, तो ये आपको फिट नहीं होगी, क्योंकि इसकी ना परफेक्ट इन्होंने फिटिंग बना रखी है लेंथ वाइज। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मंगाना। यहाँ पे आपको ना एक साइड पे पॉकेट भी मिल रही है, जिसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, मतलब गहराई इसकी ज़्यादा नहीं है। दुपट्टे की लेंथ विथ एवरेज है, 2 मीटर के अराउंड है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस तो देखो मेरे को वर्थ इट लगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट कुर्ती कि मैंने नेक्स्ट क्या मंगाया। तो ये वाला कुर्ता सेट ना मैंने 566 रुपीज में मंगाया है, और इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं कैसा में रिसीव हुआ है। साइज में मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल। तो ये बांधनी प्रिंट में है। अगर आप अभी नवरात्रि के लिए कोई आउटफिट ढूंढ रहे हो ना, तो ये वाला काफी अच्छा रहने वाला है। बट उससे पहले इसका रिव्यू देख लो। तो आपको जो इसका फैब्रिक है वो मिलने वाला है रेयन, और आपको इसके जो नेक पे है ना काफी अच्छा सा प्यारा सा वर्क यहाँ पे मिल जाएगा जरी का, और साथ में आपको मिल जाती है इसकी मेजेंटा कलर में ही पैंट्स, जिसका फैब्रिक रेयन है, और इसमें आपको पॉकेट नहीं मिल रही है। फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है इसमें, ठीक है। इलास्टिक की क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी। शिफॉन का दुपट्टा मिलता है, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस काफी अच्छी उन्होंने क्वालिटी दे रखी है। टाई एंड डाई के पैटर्न में मिल जाएगा। फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं और इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये वाला कुर्ता ना आपको सेम रिसीव होने वाला है, और सबसे अच्छी मेरे को इसकी क्वालिटी लग रही है। पहनने के बाद जो इसकी फिटिंग आ रही है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दुपट्टे के सॉरी मैं आपको कुर्ते के लिए पहले डिटेलिंग दिखा देती हूँ किस तरीके का आने वाला है। यहाँ पे ना आपको छोटा सा एक कटआउट डिटेलिंग भी मिल जाएगी। फैब्रिक की बात करूँ तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आएगा, और फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी इन्होंने दे रखी है इसमें। दुपट्टे की लेंथ आपको 2 मीटर के अप्रॉक्स मिल जाएगी, ठीक है। एवरेज क्वालिटी में आपको दुपट्टा मिल जाएगा। इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है। मेरी हाइट है 5 फीट, उसके हिसाब से काफी अच्छे। मेरे को तो लंबा ही आ रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट मैंने मंगाया है, और इसका जो प्राइस है वो है 573। साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा स्मॉल, और ये कुर्ता सेट नहीं है, बट ये आप कॉट सेट कह सकते हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट में कुछ कह सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का ये आपको मिलने वाला है। फर्स्ट आपको ना ऐसे कुछ क्रॉप टॉप मिलने वाला है। ये एथनिक पे है, अगर आप वेडिंग के लिए कोई ढूंढ रहे हो तो काफी ज्यादा प्रिटी लगेगा। मैं आपको ओवरऑल लुक इसका दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिल जाएगा। इस पे फॉइल वाला जो वर्क होता है ना, कुछ इस तरीके का वर्क कर रखा है। जॉर्जेट का आपको फैब्रिक मिलता है, और इतनी लंबी स्लीव्स मिलती है, जो कि ये ऐसे पूरी की पूरी ना दे रखी है, ठीक है। साथ में आपको इसके मिलता है प्लाजो, जो मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लगा। आप देखो एक साइड पे आपको ऐसे बेल्ट मिल जाएगी, दूसरी साइड पे आपको इलास्टिक वर्क मिल जाएगा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने यूज कर रखा है। और पूरे प्लाजो पे आपको ऐसे वर्क मिल जाएगा। फ्लेयर भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस कुछ इस तरीके से आपको ये लुक मिलने वाला है। फटाफट से ना इसका ट्राई ऑन करते हैं एंड इसका फाइनल लुक देखते हैं। ओके सो दिस इज माय नेक्स्ट आउटफिट, और इससे तो मेरे को प्यार हो गया, बिकॉज ये इतना ज्यादा प्यारा मेरे को रिसीव हुआ है, वो भी जस्ट 500 रुपीज के अराउंड। तो ये तो वर्थ इट है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती है एक्चुअली मैं कैसा लुक देने वाला है। तो इसका जो क्रॉप टॉप है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसकी लेंथ है यहाँ तक, आप देख सकते हो, ठीक है। स्लीव्स का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओपन स्लीव्स है, काफी अच्छी खासी लेंथ इन्होंने दे रखी है। बेस्ट बात इसमें मेरे को लगी ये कि इस साइड पे ना आपको एक साइड पे इसमें जिप भी मिल जाती है, तो पहनते टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ऐसे टॉप में ना पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता। सबसे प्यारा मेरे को इसका लगा प्लाजो, बिकॉज काफी प्लाजोज मैंने देखे हैं जिनकी फिटिंग बहुत गंदी आती है ये इस वाले एरिया से, बट इसकी आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। तो मेरे हिसाब से ना ये सच में कह रही हूँ, जितने प्राइस में मैंने मंगाया अगर उससे थोड़ा महंगा भी होता तो भी मैं इसको आपको रिकमेंड करती, बिकॉज क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और पूरा आपको ना अगर आपको दिवाली वगैरह में पहनना है तो भी आप पहन सकते हो, अदरवाइज आपको कोई छोटे मोटे फंक्शन अटेंड करने इसको पहन के तो भी वो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस, वर्थ इट है। एंड या ओके गाइज, आई होप आपको मेरा आज का हॉल पसंद आया होगा। मैंने इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन मंगाया था, वो भी अंडर जस्ट ₹700, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से इन्हें जरूर परचेज कर लेना। और मेरी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट हॉल मीशो से ही होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।